नमस्कार मित्रों, कैसे हो सबके सब? सब बढ़िया, सब मौज। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे, आपने टाइटल और थंबनेल में एकदम सही पढ़ा है, इस वीडियो में हम सीखेंगे कीबोर्ड पियानो एकदम शुरू से, ठीक है। तो ये आज है हमारा पियानो सीखने का लेसन नंबर वन। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो मैं उसमें सभी में बीच बीच में टिप्स देने की कोशिश करता हूँ, बट एक तरीके से सभी लोगों तक वो नहीं पहुँच पाती। लेकिन इस वीडियो में हम एकदम शुरू से कीबोर्ड सीखेंगे, जो एकदम बंदा अभी सीखने की कोशिश कर रहा है या सीख रहा है वो एकदम शुरू से, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आने लगा तो आप फिर से एकदम अगर शुरू से सीखे तो आपका सभी चीज़ कवर होते होते चलेंगे, ठीक है। जिसमें हम बैठने की पोजीशंस या फिर बाद में किस तरीके से हमें, जैसे हमें इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए तो उससे पहले हमें ABCD आनी चाहिए, तो उसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट हम पियानो में रखेंगे कि एकदम आपको जीरो से लेकर टॉप तक किस तरीके से पियानो प्ले कर सकते हो, ठीक है, कीबोर्ड प्ले कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। और इस वीडियो में जो आपके ट्यूटर रहेंगे वो रहेंगे मेरे बड़े भाई कृष्णा शर्मा। तो इस चैनल पे उनको भी मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, तो उनकी भाषा, उनके जो सिखाने की टेक्निक आपको कैसे लगे मेरे को नीचे कमेंट में बताना। और अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपको समझ में आ रही है दोनों के बीच में, आप ऑडियंस के बीच में और जो मेरे बड़े भाई हैं उनके बीच में अगर आपका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो हम फ्यूचर में और भी वीडियोज़ लाएंगे, ठीक है। ये लेसन नंबर वन है, अगर इस पर रिस्पॉन्स बढ़िया है तो और आएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो चलते रहेंगे और बस आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं, सीखते हैं पियानो का लेसन नंबर वन। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पियानो का लेसन नंबर वन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास एक पियानो है या कीबोर्ड है और आप उसे बजाना सीखना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सभी बेसिक एस्पेक्ट को क्लियर करेंगे और आपके लिए पियानो बजाना बहुत ही आसान कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पियानो के ऊपर बैठना कैसे। तो बेसिकली ये पियानो कुछ इतना बड़ा आता है लगभग जनरली, और आपको इसके सामने एकदम सीधे बैठना है, ठीक है, एकदम मिडिल पॉइंट लेना है इसका और एकदम सीधे आराम से रिलैक्स होकर बैठना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको अपने जो हैंड्स हैं उनको कैसे ध्यान में रखना है, और अपने फिंगर को एक नंबर देंगे, उन नंबर्स को आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों से पियानो को प्ले करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो थंब है, यह है फिंगर नंबर वन, इंडेक्स है फिंगर नंबर टू, मिडिल है फिंगर नंबर थ्री, रिंग है फिंगर नंबर फोर एंड पिंकी इज फिंगर नंबर फाइव। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये आपके फिंगर्स हैं। अब बात करते हैं कीज के बारे में। तो आपको दिख रहा होगा कि पियानो के ऊपर दो प्रकार की कीज हैं, पहली है ब्लैक कीज और दूसरी है वाइट कीज। तो ब्लैक कीज को कैसे पहचानना है कि ब्लैक कीज के यहाँ पे दो ग्रुप हैं, पहला है अ ग्रुप ऑफ टू ब्लैक कीज और दूसरा है अ ग्रुप ऑफ थ्री ब्लैक कीज, ठीक है। देखिए 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 एंड 3, ओके। तो अब हमें देखना है कि दो ब्लैक कीज के नीचे जितने भी वाइट नोट्स आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। तो हम इनको अब नाम दे देते हैं कि इनको पहचानना कैसे। तो ये जो दो ब्लैक की है, इनमें जो पहली ब्लैक की है ये, इसके लेफ्ट साइड में जो वाइट नोट है ये, इसका नाम है सी, ठीक है। और ये हमारा मिडिल सी हो गया, ओके। यहाँ पर ये जो ब्लैक की है, इसके लेफ्ट में जो वाइट नोट, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है और ये भी सी है, ठीक है। पहली ब्लैक की के जो लेफ्ट साइड में जो वाइट की आती है उसका नाम है सी। मैं आपको बता दूं कि ये जो टू और थ्री का जो ग्रुप है इसको हम ऑक्टेव कहते हैं। तो ये है हमारा मिडिल ऑक्टेव, लेफ्ट साइड में लोअर ऑक्टेव्स और राइट साइड में है हायर ऑक्टेव्स, ठीक है। तो वापस पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं कि जो दो ब्लैक कीज के नीचे जितने भी वाइट कीज, तो मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, ये आपको हेल्प करेंगे आपको पियानो कैसे बजाना है उसके बारे में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज हम कौन सी सीखेंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है बहुत ही आसान सी स्केल की एक्सरसाइज, और इनमें हम सबसे पहले राइट हैंड प्ले करेंगे और फिर बाद में लेफ्ट हैंड और फिर उसके बाद दोनों साथ में प्ले करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सी से, ओके। तो आपको सी को प्ले करना है फिंगर नंबर वन अंगूठे से, ओके, डी को फिंगर नंबर टू, ई को फिंगर नंबर थ्री, ओके, एफ को फिंगर नंबर वन,
जी को फिंगर नंबर 2, ए को फिंगर नंबर 3, बी को फिंगर नंबर 4 और हायर सी को फिंगर नंबर 5। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये है असेंडिंग ऑर्डर। जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं वैसे का वैसे ही हमें डिसेंडिंग ऑर्डर भी करना है। तो वो कैसे होगा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये हो गया राइट हैंड से सी स्केल। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो अब लेफ्ट हैंड से हम सी स्केल प्ले करते हैं। लेफ्ट हैंड में हमें हमारा हाथ लोअर ऑक्टेव पे रखना है और हमारी जो फिंगर नंबर 5 है पिंकी, इसको हमें सी पे रखना है। और अब चलिए शुरू करते हैं वही एक्सरसाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, वापस वैसे का वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो अब आपको लेफ्ट हैंड से भी प्ले करना आ गया, राइट हैंड से भी प्ले करना आ गया। तो अब आप कम से कम 5 से 10 बार राइट हैंड से प्ले करें और फिर 5 से 10 बार लेफ्ट हैंड से प्ले करें, क्योंकि आपको अभी दोनों हाथ साथ में प्ले करने हैं। अगर आप एक राइट हैंडेड पर्सन हैं तो आपके लिए लेफ्ट हैंड थोड़ा मुश्किल है, अगर आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन हैं तो आपके लिए राइट हैंड थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले चलिए प्ले करते राइट हैंड से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब लेफ्ट हैंड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अगर आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अच्छे से चल रहा है, देन आफ्टर हम आएंगे दोनों को साथ में बजाने के ऊपर। तो चलिए दोनों को साथ में प्ले करेंगे, एक एक नोट ध्यान से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आप इस एक्सरसाइज को घर पे डेली करें और इस लेसन को थोड़ा सीरियसली लें, क्योंकि ये आपका पहला लेसन है और इसके बाद आपको ये एक्सरसाइज बहुत हेल्प करेगी। तो यही हमारे वो 7 सुर हैं जो कि हमने जाने होंगे कि सा रे गा मा पा धा नी। ये हमारे जो 7 सुर हैं उन्हीं को हम यहाँ पे सी डी ई एफ जी ए बी सी, यानी कि सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, तो आपको बस ऐसे ही उसको प्रैक्टिस करना है लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों के साथ में। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है और लेसन 1 हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जितने भी सवालात या सुझाव हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स और सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कि पियानो सीखना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।